हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकिंग कॉर्नर। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई रेसिपी। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं कुट्टू के आटे के पकोड़े। देखिए, हमने 250 ग्राम कुट्टू के आटा लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। देखिए, हमने कुट्टू के आटे को अच्छे से छान लिया है। और देखिए, हमने 250 ग्राम ही पालक लिया है। हम ये पकोड़े पालक के बनाने वाले हैं। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, आधे चम्मच से कम। आधे चम्मच से कम इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार। सेंधा नमक डाल रहे हैं हम इसमें, व्रत वाला। अब थोड़ी सी इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम रुक रुक के पानी डालेंगे, जिससे गांठे ना बने। पानी आप रुक रुक कर ही डालिएगा। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पकोड़े के जैसे रखनी है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है। हमने इसमें आधा ग्लास पानी यूज किया है। तो आइए, पकोड़ों के लिए हम इसमें कढ़ाई में घी डालते हैं और इसे गरम करने के लिए रखेंगे। देखिए, हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। देखिए, हमारा घी गरम हो चुका है। आइए इसमें पकौड़े डालते हैं। हम हमारी गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। बीच बीच में हम इसकी फ्लेम को तेज़ करेंगे, ताकि ये जो पकोड़े हैं अंदर से अच्छे से पक जाए। तो देखिए, हमारे पकोड़े बन चुके हैं। आइए इसे निकालते हैं। तो देखिए, हमारे कुट्टू के आटे के पकोड़े बनके तैयार हैं। हमने इसे दही के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आई होप गाइस, आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो कैसी लगी आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।